भाई लच्छे पराठे किसे नहीं पसंद। पतले पतले लच्छे खुलते हुए अपने पसंद की किसी सब्जी या अचार के साथ खाना सबको ही पसंद होगा। पर यही है कि खाने के बाद एक गिल्ट रह जाती है कि मैंने मैदा खा लिया। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए लच्छे पराठे की एक गिल्ट फ्री रेसिपी। तो इस गिल्ट फ्री रेसिपी के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी, आप देख रहे हैं ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो एक स्लरी बनानी है जिसमें हमने 3 चम्मच बड़े टेबल स्पून से घी लिया है और उसमें 2 छोटे टेबल स्पून मैंने बहुत महीन कटे हुए लहसुन डाले, नमक डाला है और ये अपने पसंद का मैंने ये हरा धनिया खूब सारा डाला। और आप इसमें चाहे तो चिली फ्लेक्स या फिर अपने पसंद के जो पिज़्ज़ा सीजनिंग आती है वो भी डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची बाद में थोड़ी सी डाली और उसको मिक्स कर लिया। तो ये एक पेस्ट बना के हमें रख लेना है पहले। और उसके बाद करना क्या है कि वही जो रोज़ की हम रोटियां बनाते हैं उसी आटे को हम लच्छा पराठा के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई भी मोयन नहीं है, नमक नहीं है। आप चाहें तो अलग से आप गूंद के उसमें डाल सकते हैं ये नमक और मोयन। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल वही आटा लिया और उससे ये बड़ी सी रोटी बेल ली, पतली सी। तो अभी कोई भी इसमें शेप या उसका वो नहीं, आकार नहीं देखिएगा, बस ऐसे बड़ी सी एक रोटी पतली सी बनानी है ये देखिए। और उसी पेस्ट को मैंने 1.5 छोटे चम्मच जो टीस्पून होता है उससे मैंने लेके इस पर फैला लिया और ये पतली पतली स्ट्रिप्स इसमें से काट लिया। ऐसे जितनी पतली पतली स्ट्रिप्स काटेंगे आप उतने ही लच्छे बहुत अच्छे निकलेंगे, उतने ज़्यादा निकलेंगे लच्छे। इस तरह से देखिए, और इस तरह से फिर जहाँ से स्टार्ट किया था काटना वहाँ से इस तरह से बिल्कुल समेटते हैं नीचे से। हाँ, एकदम हल्के हाथों से, लच्छे जुड़ने ना पाए, बिल्कुल ऐसे थोड़े अलग अलग ही रहें। इस तरह से रोल सा बनाते हुए बस उसको समेटना है बस। और इस तरह से करके बिल्कुल राउंड बना लेना है चकले की तरह। तो ये देखिए इस तरह से बस हल्के हाथों से करिएगा, बहुत तेज़ से नहीं इसको करना, टाइट नहीं बनाना है। इस तरह से बाकी भी बना लेते हैं। और जितनी मैंने स्लरी वो पेस्ट तैयार किया था उतने से मेरे 7 बड़े पराठे तैयार हो गए थे। तो ये देखिए इस तरह से बस इकट्ठा कर लेना है हमें, और उसी तरह से बिल्कुल एक ऐसे करके समेट लेना है, एक चकला बना लेना है और इस तरह से तैयार कर लेना है। हल्के हाथों से बेल लेते हैं, वैसे तो हाथों से फैलाते हैं इसको, लच्छे और भी अच्छे खुलते हैं तो, लेकिन हल्के हाथों से मैंने ये बेलन से बेल लिया। बस हल्के हाथों से करें ताकि ये लच्छे ना आपस में जुड़ने ना पाए। और अभी चलते हैं, तवा गरम था उस पर मैंने ऐसे डाल दिया। तो अगर खुले भी हैं कहीं से तो कोई नहीं, क्योंकि बाद में हमें तो इतनी ऐसे क्रश करके लच्छों को अलग करना है। तो ये मैंने घी से ही सेका। आप जो भी ऑयल खाते हो उनसे स्लरी बना सकते हैं और उन्हीं से आप पराठे सेक सकते हैं। तो मैंने इसमें घी में धनिया की पत्ती और लहसुन और ये सब मिलाया। और इसमें वैसे तो मैदे का 2 चम्मच मैदा मिला के उससे तैयार किया जाता है और उसके पेट से बीच में लगा के और इसके लेयर्स खोले जाते हैं। तो ये देखिए पलट पलट के सेक लेते हैं और इस तरह से सर्व करते समय ऐसे क्रश करके तब करना है। देखिए सारी लेयर्स अलग हो जाती हैं, ये देखिए सेकने में ही सारी लेयर्स अलग हो गई हैं। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है मैदे के पराठे बनाने के, आप रोज़ जो रोटी बनाते हैं उसी आटे को आप इस तरह से बना सकते हैं अपने पसंद की सीजनिंग के साथ और पसंद की सब्जी के साथ, अचार के साथ सर्व करिए। तो अब से बनाइए ये बिल्कुल सादे गेहूं के आटे का लच्छा पराठा और बिना गिल्ट के भर पेट खाइए पसंद की अपने लच्छे पराठे को। तो फिर इस गिल्ट फ्री रेसिपी के लिए एक बार फिर से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब किया हो तो
तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में अपने। तो फिर मिलते हैं आपसे हम इस तरह की एक इजी ब्रीजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए इस लच्छे पराठे को। बाय।